सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 53 से कांग्रेस प्रत्याशी शंकरलाल चीनिया को कांग्रेस नेता जवाहर भुट्टा के नेतृत्व में वार्डवासियों व मतदाताओं द्वारा संतरों से तोलकर अभिनंदन किया गया है। शंकरलाल ने इस अवसर पर कहा कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे जनता की सेवा करेंगे और वार्ड के विकास में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता जवाहर भुट्टा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शंकरलाल पर जो भरोसा किया है उस विश्वास पर सभी वार्डवासी खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से नगर परिषद में शंकरलाल पहुंचेंगे। इस अवसर पर हाजी शौकत अली, अयूब खोकर, अख्तर मोहम्मद अली जाखड़, रमजान खोकर, सत्तार खोकर, मामदीन खोकर, हबीब खत्री, यूनुस भुट्टा, साकिर खोकर, फकीर मोहम्मद, मुश्ताक जजोदिया, नथुराम गिरधारी लाल, मनोज कुमार डूंगरमल, नंदलाल चीनिया, अविनाश मेघवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं वार्डवासियों से जनसंपर्क करके प्रत्याशी शंकरलाल ने वोट और समर्थन भी मांगा। कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए और इस वार्ड में अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए, वैसे वार्ड में पूरा काम हुआ हुआ है लगभग, फिर भी कोई कमी रहेगी वो पूरी की जाएगी। जनता से मैं सभी से हाथ जोड़ के एक अपील है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के विजय बनाएं और नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाएं। जैसे हाईकमान की हुक्म और एसी का वार्ड, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये एसी जो बन गया और इसमें एसी जो वार्ड जो हुआ ये, तो ये कलेक्टर के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से और डीएलपी के माध्यम से हुआ है। किसी प्रकार कोई कागजों में कमी रह गई उस वजह से ये एसी बन चुका और शंकर जी चीनिया को पार्टी ने टिकट दी और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। पिछले 5 साल के कार्यकाल में भाई सिकंदर जी अली खील जी, भाई बाबूलाल कुलदीप जी और हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में वार्ड में बहुत सारे विकास हुए। मैं इस वार्ड का वासी हूँ। मेरे पिताजी इस वार्ड में 3 बार जीत चुके हैं, मेरी मम्मी 1 बार, और मेरी यही इस वार्ड के लोगों से नमन निवेदन है कि आप शंकर चीनिया को जिताएं, एक अच्छा सभापति चुने और जिता के इनको नगर पालिका भेजें सदन में, ताकि आपकी आवाज़ उठा सके, आपका वार्ड का विकास करा सके। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चुनाव में अच्छा लग रहा है, जीतेगा और हम सब भाई लोग हैं जिनको मिलजुल के वोट देंगे और सब भी एकता अखंडता है हमारी, कोई हमारे इनमें वोट नहीं है और सब मिलजुल के वोट देंगे और जिताएंगे और हमारा सभापति हम कांग्रेस को बनाएंगे, कांग्रेस को बनाएंगे और बनाने चाहते हैं। और हमारे जो पहले भी था अच्छा था सभापति, तो वैसा ही सभापति हम अभी लाना चाहते हैं कांग्रेस का।